इकराम कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमल के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपके चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो जी ये है एक स्पेशल रेसिपी जो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगी, बहुत ही स्पेशल यूट्यूबर की तरफ से, बहुत ही स्पेशल यूट्यूबर्स की तरफ से। और वो कौन सा बड़ा यूट्यूबर है वो आपको जब ये व्लॉग देखने को मिलेगा इसमें नहीं पता चलेगा, तो उसी वक्त आपको पता चलेगा कि वो कौन सा सबसे पूरी ऑन द टेबल कि वो कौन सा सबसे बड़ा यूट्यूबर है जिसके लिए मैंने ये या जिसके फॉलो करके मैंने ये रेसिपी बनाई है। ठीक है, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी तो ओवरसी मैंने आटा गूंद लिया, मैंने मशीन में ही गूंदा है, मैंने हाथ से नहीं गूंदा, बस अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के तो अभी मैंने इसको इसके अंदर रखना है। और ये कौन सी स्पेशल रेसिपी है और ये क्या है ये तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, और वो क्या बड़े यूट्यूब का राज है, बड़े यूट्यूबर का राज है, वो भी आपको आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो बस ये हमने गूंद के इसमें रख दिया, ये एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, आने वाले व्लॉग्स देखिएगा तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी एक बात बोली थी, तो चलिए इसको पहले मैं साइड पे कर देती हूँ, धोने वाले बर्तन उस साइड पे ले जाती हूँ, साथ साथ में आपसे करती हूँ बातें, साथ साथ में अपने किचन का काम जो है वो खत्म करती हूँ, सर पे तेल लगाया वो भी वॉश करना है तो वो सारे काम भी आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर करती हूँ। वेदर आज अच्छा था तो कपड़े धोके हमने थोड़ी देर के लिए बाहर डाले हैं, ड्रायर भी लगाया था, ड्रायर में भी डाले हुए हैं, तो लेकिन अभी आपसे सारा कुछ वो भी शेयर करती हूँ। लेकिन पहले इसको ढक्कन देकर ढक दूं, तो आमल बना रहे हैं बच्चों का आज लंच, तो आप लोगों को पहले वो दिखा दूं कि क्या लंच दिया है आमल ने, क्योंकि मैं जरा कहीं पे बिजी थी तो इसलिए फिर आमल ने ही बच्चों को फटाफट से लंच जो है वो रेडी करके दिया। तो पहले आपको वो दिखा देती हूँ कि क्या लंच है, उसके बाद चलते हैं उस साइड पर। अच्छा जी, बच्चों का लंच माशाल्लाह से आज आमद साहब ने बनाया है, बहुत ही फ्लफी मैश पटेटो। आमद ने मैश पटेटो को आलूओं को बॉईल करके बनाया, लैम और मैश पटेटो, ये हसनैन और रबाब के लिए है। वेल डन आमद, मैश लुक रियली गुड। लंच हो गया बच्चों का, तो अभी जो है वो ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए हैं और मैंने साथ में, क्योंकि मुझे किसी वो सरप्राइज आपको उसी वाले व्लॉग में पता चला, तो मुझे ये काम करना था तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा, कुछ चीजें लेनी थी शॉपिंग, ग्रॉसरी अभी नहीं गई क्योंकि ग्रॉसरी हम लोगों ने जाना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी लेटर ऑन जब जाएंगे तो। लेकिन अभी दो तीन चीजें चाहिए था, मैदा चाहिए था, वो फिलकोट अभी चाहिए था, तो फिर अभी फटाफट से मैं और बाबी गई हैं फटाफट से वो लेके आई है, क्योंकि ये वाला जो बड़े यूट्यूबर का था ये आप लोगों के साथ ओवरली शेयर करना था, तो वो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से पहले वो काम कर रहे हैं। ये जो धुले हुए बर्तन है इनको उठा के इधर इस साइड पे रख देती हूँ ताकि इनका भी मसला हल हो जाएगा। तो हसनैन अपना लंच करके प्लेट वापस कर दिया है, बाकी मैंने जो बर्तन है वो धो डालने हैं, इनको इस साइड पे कर लेती हूँ और धोने वाले बर्तन जो है वो धो लेती हूँ। तो पतीला उस साइड से भी उठा लेती हूँ। और आपसे, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि कोई बहुत ही बड़ा यूट्यूबर मेरे घर आने वाला है, तब जब मेरे घर में मिलाद था, शायद अब आप लोगों को याद है या नहीं याद,
फिर एक तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई थी जिन्होंने कुछ हमारे घर से उठाना था, वो उठाया। उसके बाद जब मैंने आपसे बोला था तो वो भी आज आप लोगों को बता ही देती हूँ। मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि उस वक्त उनकी पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही थी, यहाँ से पाकिस्तान उनकी पूरी फैमिली ने जाना था, पूरी फैमिली ही वो यूट्यूब पे है, तो उन्होंने जाना था पाकिस्तान। तो फिर इस वजह से उन्होंने बोला था कि हम प्रॉमिस नहीं करते लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे कि हम आएंगे या नहीं कि आएंगे, कि हम प्रॉमिस नहीं करते लेकिन हम ट्राई करेंगे। तो फिर उनके इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने होम एड्रेस एंड एवरीथिंग उनको दे दिया था कि अगर आपका टाइम लगा तो फिर आप लोग आ जाना। तो उन्होंने बोला था कि जी एकदम आपकी हम लोग प्रॉमिस तो नहीं कर रहे लेकिन अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो मम और भाभी जो है ओवियसली वो आएंगे। तो फिर मुझे भी खुशी थी कि चलिए आएंगे, लेकिन फिर ओवियसली उनका टाइम नहीं लगा तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा चलो आज आपको बता देती हूँ कि अब हो सके हो मैं भी वो पाकिस्तान से आए तो हो सके हो शायद कि मैं अगर वो माने तो शायद उनको दावत को भी या कुछ इस तरह करूँ, ये मेरे मान लिया है। लेकिन अगर ये भी हुआ तो वो कौन थे वो राज आज आपको बता देती हूँ। तो वो थे जी, आप लोग उनके जूते थे, मेरी ही सिटी से हैं वो, मेरे ही बिल्कुल पास से ही हैं वो, उनके आप लोग ब्लॉग जो है देखते हैं। तो वो है जी मामा बे शानी वर्ल्ड के नाम से, आप लोग उनको जानते हो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैसेज भेजा था, तो फिर उन्होंने जो वो मेरा मैसेज था देखा पढ़ा, तो फिर उन्होंने बोला था कि जी हम ट्राई करेंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। तो उस वक्त तो वैसे अंडरस्टैंडिंग था कि बंदा इतनी तैयारी में लगा हुआ होता है। फिर उन्होंने बोला था ड्रेस भेज दें कि अगर तो हमसे आया सका तो हम आएंगे। तो फिर मुझे बड़ी खुशी थी कि चलिए अगर आएंगे तो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने बाद में बोल दिया कि नहीं हमें टाइम नहीं मिला, बिकॉज दूसरे दिन ही शायद उनकी फ्लाइट थी मेरे ख्याल से। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मेरे दिल में है कि आएंगे तो इंशाल्लाह उनकी ना घर में छोटी सारी दावत करूंगी, लेकिन अगर वो माने तो ओवियसली। तो वो थे शामी वर्ल्ड से, मामा बे को मैंने बुलाया था मिलाद पे, साथ में शामी की वाइफ को इन्वाइट किया था मैंने कि शायद हो सकता है वो आए। तो अभी तो खैर उनके मैं देख रही हूँ लोग पाकिस्तान में खूब इंजॉय कर रहे हैं वो लोग अपनी नानों के पास। तो जिस एरिए में उनकी नानों है उसी एरिए में मेरी दूसरी बहन जो है उसके ससुराल का घर है, तो वो भी वही है आजकल। तो बस ये थी, मैंने सोचा कि मुझे दो तीन ने मैसेज किया था कि इधर मासी आपने वो रात तो हमें बताया ही नहीं, तो फिर मैं कह रही थी कि क्या अभी आपसे वो करूँ, फिर जब हुआ ही नहीं तो फिर रात क्या शेयर करूँ। तो फिर मैंने बोला कि काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हैं कि इधर आती आपने वो बताया ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये भी टाइम है कि आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर कर दी जाए। और मुझे ना किसी ने मैंने मैसेज में तो क्लियर कर दिया था, किसी एक मेरी बहन ने बोला था कि लहसुन को हांडी में धो के डाला करें। जब कोई मीट वगैरह में चीज़ करती हूँ ना, तो आप लोगों को पता है मैं पतीले में सिर्फ पानी डाल के मैंने मीट उसके अंदर डाला हुआ होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मैंने उसको रिंस करना होता है। तो फिर मैं उसी के अंदर प्याज लहसुन को काट के फिर उसको छाननी के अंदर मैं रिंस कर लेती हूँ, तो वो फिर मेरा दोनों चीज़ें मीट को पहले भी धोया हुआ होता है तो वो फिर एक तरह से दोबारा से रिंस हो जाता है। क्योंकि जब आप मीट में पानी डाल के रखते हैं ना धो के, तो उसमें थोड़ा ब्लड ब्लड ऊपर आता है, ये आपने अक्सर लोगों ने शायद तजर्बा किया हो या आपको पता होगा कि जब भी आप मीट को धो के हांडी में डालते हैं तो वो पिंक पिंक सा हो जाता है। तो फिर मैं उसको पकने के लिए नहीं रखती, फिर मैं उसके अंदर प्याज को लहसुन को काट के फिर उसको दो तीन दफा सारी चीज़ों को अच्छे से इकट्ठा रिंस कर लेती हूँ, तो वो धोए जाते हैं। तो ओवरसी फिर आप लोगों को पता नहीं चलता, आप शायद समझते हैं कि मैंने डायरेक्ट ऐसे ही पकने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये बात मैंने आप लोगों से क्लियर करनी थी। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं का, आप सबके इतने प्यार का, पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत
भी काम है और पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह चीजें जो है वो थोड़ी बेहतर से बेहतर कर दे इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह बहुत अच्छा रास्ता दिखाने वाला है, बहुत बहुत अच्छा अल्लाह रास्ता दिखाता है बंदों को। आप अल्लाह से दोस्ती लगा के देखो तो अल्लाह की पाक कलाम में बहुत ताकत होती है। और मैं आपको बताऊं, मुझे जब कोई परेशानी या कोई इस तरह की घबराहट होती है ना, तो मैं हमेशा दुरूद शरीफ की तस्बीहां और मैं हमेशा अल्लाह से मदद मांगती हूँ। और मेरा अल्लाह इतना गफूर रहीम है, मैं जितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि मुझे हमेशा मेरे अल्लाह ने कोई ऐसा रास्ता दिखाया है, ऐसे मेरा बाजू पकड़ा है कि मैं समटाइम मैं ऐसे हो जाती हूँ कि बस मैं डूबने लगी हूँ, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने ऐसे रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह मियाँ ऐसे रास्ता दिखाते हैं कि मैं बस डूबते डूबते ना मैं किनारे पे आ जाती हूँ। ये मैं YouTube के हवाले से नहीं कह रही, कुछ बंदे की अपनी पर्सनल जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हैंडल करना होता है, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ कि अपना बिलीव आप किसी को भी किस मजहब की भी आप हो, आप अपना बिलीव पक्का रखें, अपना यकीन पक्का रखें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। और मेरा इस बात पे पक्का बिलीव है, अल्लाह आपकी बहुत सुनता है। तो बस कि ये एक कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, कुछ आपको बताना था कि जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, कभी भी हिम्मत ना हारें। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आती हैं, बहुत सारी ऐसे रास्ते समटम आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि आप डगमगा जाते हो कि अब मैं क्या करूं, लेकिन अपने खुदा पे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको रास्ता अच्छे से अच्छा दिखाता है। तो चलें जी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। अपनी रम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते हो क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। बहुत टूट चुकी थी मैं लास्ट 2 वीक से, लेकिन फिर भी ओवरसली मेरे व्लॉग्स जो आप देख रहे थे वो पहले के कुछ बने हुए थे लेकिन ख़त्म हो गए थे, अब नहीं थे, तो फिर आपने मेरी वीडियो भी नहीं देखी। लेकिन शुक्र उस परवरदिगार का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अल्लाह ने ऐसा बाजू पकड़ा है ना कि मुझे बहुत हौसला हुआ, बहुत हिम्मत हुई है कि अब मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है उठ के दोबारा खड़ी होने की। YouTube पे नहीं, कुछ और मेरा है जो मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि पर्सनल चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे लाना चाहती। सिर्फ आप लोगों से ये दुआ थी कि आप मेरे लिए दुआ करें। उसकी वजह से कुछ जो मेरी हेल्थ थी वो थोड़ी डाउन हो रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसको हैंडल किया। बस यही आपसे कह सकती हूँ, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। लेती हूँ आपसे इजाज़त, ही हम आपकी दुआ में याद रखिएगा। लव यू मोर फैमिली, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह